My name is Anmol, Preet, Kaur. Anmol, Preet, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? I am in 12th standard. 12th standard. Yes. कौन सा सब्जेक्ट है आपका? Humanities. Humanities सब्जेक्ट. और आप अजीत विद्यालय कब ज्वाइन किया था आपने? When I am in 4th standard. 4th क्लास में किया? Yes. कौन सा ईयर था वो? I think 2011. 2011. तो इस टाइम पे आपको 8 साल हो गए ऑलमोस्ट. Yes. तो कैसा लगता है स्कूल आपको? मतलब अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्कूल ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो आप? आई एम अ किकबॉक्सर। किकबॉक्सिंग करते हो? यस। तो किकबॉक्सिंग के अंदर कब से स्टार्ट की थी आपने किकबॉक्सिंग? व्हेन आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड, 3 साल पहले आपने किकबॉक्सिंग स्टार्ट की? यस। तो कैसे स्टार्ट हुई थी किकबॉक्सिंग, कैसे आई थी आप किकबॉक्सिंग के अंदर? एक्चुअली आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड प्रैक्टिसिंग एंड सीइंग ऑल द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड देन यू गॉट मोटिवेटेड टू प्ले। यस। ऑल राइट। तो फिर कौन से स्टूडेंट्स को देखते थे, क्या था स्टोरी, कैसे हुआ? मतलब एक्चुअली जब मैं यहाँ पे स्कूल में देखती थी कि स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे मतलब अचीव कर रहे हैं, फिर मेरे को भी मोटिवेशन मिलता था कि हाँ आई कैन आल्सो डू दिस, फिर दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। यस। तो कौन से टीचर आपको सिखाते थे? सर जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरे सर थे कमल सर, लेकिन अब हमारे कोच चेंज हो चुके हैं, विशाल सर है रिसेंटली अब हमें वो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कैसे अब इस टाइम पे कौन से लेवल पे खेल रहे हो आप? इस टाइम पे सर मैं नेशनल लेवल में बॉक्सिंग भी खेल चुकी हूँ और स्टेट लेवल पे किकबॉक्सिंग मोहाली संगरूर 2 बार होकर आ चुकी हूँ, और जब मैं संगरूर गई थी तब मैं सिल्वर मेडल अचीव किया था। अच्छा, वेरी गुड। तो कितना टाइम लगा आपको ये मेडल्स लेने में, कंपटीशन में स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा आपको? सर जिससे मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली मेरे को लकीली मेरे को उसी ये चांस मिल गया था कि मैं संगरूर में लाइक फर्स्ट टाइम स्टेट खेल सकूँ, और उसी ये मेरा सिल्वर मेडल भी आया था, और लाइक मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा उसके बाद अचीवमेंट मिल मतलब मोटिवेशन मिला था कि मैं और आगे कर सकती हूँ, लेकिन लास्ट उसके बाद मैंने थोड़ा ग्राफ डाउन आया, लेकिन इस साल फिर अब अच्छा। मतलब ग्राफ मेरा अच्छा गया, अब इस साल फिर नवंबर में इस साल मैंने बॉक्सिंग में सर फेडरेशन की तरफ से जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट में मेरा गोल्ड है, और अभी इसका उसकी स्टेट है नवंबर में, फिर देखो स्कूल कैसे हेल्प करता है आपको स्पोर्ट्स के अंदर? स्कूल सर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, लाइक जिस जो जो चीज़ें इक्विपमेंट्स हो गए या फिर टाइम टू टाइम जैसे भी हमें किसी भी जरूरत चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सर हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारे DP टीचर अनुराधा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कभी कभी फाइनेंशियली भी पेरेंट्स भी कभी मना कर देते हैं, जैसे इस साल बोर्ड क्लास है तो पेरेंट्स ने थोड़ा बोला कि इस साल गेम छोड़ दो, तो फिर लेकिन अनुराधा मैम ने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब समझाया था कि गेम्स के ज़रिए मतलब बच्चा बहुत आगे जा सकता है, इसलिए स्कूल गेम्स के साथ साथ मैं आगे यहाँ पे इस साइड बहुत अच्छा गेम्स के साथ साथ मैं स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। अच्छा, सर एक्चुअली मैं 10th में स्कूल में टॉप किया था मैंने। 10th में स्कूल में टॉप किया था? यस सर। वेरी नाइस। और अभी तक इसकी किकबॉक्सिंग के क्या क्या अचीवमेंट्स हो गए आपके? किकबॉक्सिंग के अचीवमेंट सर मेरे सिल्वर मेडल है स्टेट में, और स्टेट लेवल पे अभी इस साल फिर जाऊंगी, कोशिश करूंगी खेलने की, अभी टूर्नामेंट रिसेंटली आने वाला है। अच्छा। स्कूल हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं हर जगह। और इसके अलावा भी आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो? नो सर, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे थे खेल रहे थे सारा, तो आपको स्टडीज में कोई चैलेंजेस वगैरह आए थे किसी तरह के? चैलेंजेस तो यस चैलेंजेस तो सर आते ही है, अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन बात ऐसी है कि हमारे टीचर्स ने DP टीचर और स्कूल जो एकेडमिक टीचर्स हैं उन दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। अच्छा। और दोनों चीज़ों को पैरेलली एक साथ आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा। अच्छा, और फिर जब आपको स्टडीज़ में चैलेंज ज़्यादा थे फिर आप कैसे मैनेज करते थे? सर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्कूल टीचर्स जैसे कभी कभी जैसे टूर्नामेंट पास आते हैं तो फिर स्कूल टीचर्स को मतलब
फुल डे ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर टाइम पे. तो टीचर्स ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि आप अपने पीरियड मिस करते हो या फिर कुछ भी है. अगर किसी भी टाइम अगर मेस टाइम में भी अगर टीचर्स के पास जाना पड़ता था कि इस चीज़ की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो स्कूल टीचर्स पूरी सपोर्ट करते थे. कोपअप सर रात को फिर जाके मतलब रात को नींद त्यागनी पड़ती है सर अगर कुछ अचीव करना है तो. फिर तो आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? सर एक्चुअली आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट. क्या? वेरी गुड. मैं बाकी स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स को नहीं, जो पेरेंट्स या मतलब पेरेंट्स को या फिर जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि स्कूल चाहे जैसा भी है लेकिन इस स्कूल में डिसिप्लिन और टीचर्स का जो डेडिकेशन है स्टूडेंट्स को लेके और हमारे जो प्रिंसिपल हैं मतलब हमें हर एक प्रकार से मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि मतलब ये हम मतलब ये जो यहाँ पे हमें मतलब अपना घर जैसा लगता है कि टीचर्स हमें ऐसा फील करवाते हैं कि वो जैसे हमारे मदर्स की तरह. और इवन कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन आती है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन टैकल मतलब गेम और स्टडीज़ के बीच में जब टैकल करना पड़ता है तो जो हमारे फिज़िकल टीचर हैं वो हर बार हमें मदद करते हैं. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूर आप एक बार अपने स्टूडेंट्स को अजीत विद्यालय में मतलब एडमिशन करवाएँ. और कुछ इसके अलावा? थैंक यू. बस चलो.